लगभग दो महीना पहले मुझे कराची लिटरेरी फेस्टिवल से एक ख़त आया था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिट फेस्टिवल में भाग लूं, क्योंकि मेरी किताब जो हे हाउस ने पब्लिश की थी, अशोक चोपड़ा जी उसके पब्लिशर थे, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसके तहत जिसका जो कि बेस्ट सेलर बनी, वो 11 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, 18 उसके संस्करण आ चुके हैं। तो मुझे मेरे पब्लिशर अशोक चोपड़ा जी ने कहा कि पाकिस्तान में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आपको इनवाइट किया जा रहा है और आप ज़रूर चलिए। तो मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा, क्योंकि उन दिनों कुछ हालात बॉर्डर पे ठीक नहीं थे, फिर पहले मैंने देखा जाता हूँ फिर नहीं जाता हूँ। और बट ये लेटर जो था ये मैं आपको, ये 30 अक्टूबर 2015 को लिखा था। डियर अनुपम खेर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, द प्रोड्यूसर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द कराची लिटरेरी फेस्टिवल, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू दिस फेस्टिवल, द 7th KLF टू बी हेल्ड इन कराची ऑन 5th, 6th and 7th 2016। इट वुड बी एन ऑनर इफ़ यू कुड जॉइन अस एंड कंसेंट टू बी अ गेस्ट स्पीकर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, के बाकी कौन लोग आए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने अशोक जी को बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, फिर बीच में कुछ हालात थोड़े से, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में जाकर इस बात का एहसास कराया कि कुछ रिश्ते जो हैं वो बनाने से बनते हैं, झगड़ा लड़ाई मार धाड़ लोगों की जाने जाना, दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू डील विद दिस, वी हैव हैड प्रॉब्लम्स। So that action of my Prime Minister and the subsequent talks between India and Pakistan and the possibility of a good relationship, I felt that I should go. And also this is a literature festival and I said yes to Ashok ji. So Ashok ji wrote to them and I was very happy, excited, because main आज से 15 साल पहले कराची फिल्म फेस्टिवल में गया था, जहाँ पर मुझे मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और मैं लोगों के साथ एंगेज करना चाहता था, क्योंकि लोग जो वहाँ के हैं वो बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तानी फिल्म कलाकारों को, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। जब भी हिंदुस्तान के बाहर किसी भी पाकिस्तान के इंसान को मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग साथ में रहते हैं, चाहे अमेरिका चले जाओ, कहीं और चले जाओ। बहुत सारे फंक्शंस में, अभी मैं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो करने गया था तो हमारे कुछ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान के थे, ऑडियंस में बैठे हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। सो और दो लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क में कभी भी टैक्सी के पैसे नहीं लेते, अगर आप उस टैक्सी में बैठें, या तो आपका हिंदुस्तानी दोस्त ड्राइवर या फिर पाकिस्तानी ड्राइवर। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एंगेज, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। सो दैट वाज द रीज़न एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मेरी शूटिंग शेड्यूल मैंने चेंज किया, मुझे विदेश जाना था, फिर मैंने कहा नहीं, मैं चेंज करके जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाऊँगा। और इस दौरान पाकिस्तान फिल्म एंड टेलीविज़न जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने मुझे ख़त लिखा कि आप हमारे साथ डिनर करिए। मैंने 6 तारीख की शाम को उनको भी डेट दे दी थी। वहाँ का एक बड़ा पॉपुलर टेलीविज़न चैनल है, उनको एक घंटे का मैंने टाइम स्लॉट भी दिया था और मेरे पोस्टर वगैरह सब छप गए थे, वो तो उनकी वेबसाइट पर है। और रोज़ तय ये होता है आमतौर पर, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन आज कुछ और ही बोल रहे हैं, तय ये होता है कि जो कराची लिट फेस्टिवल की अथॉरिटीज़ विल गेट अ नो क्लियरेंस ऑल क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू विल सेंड ऑल क्लियरेंस टू, इसको साइलेंट पर कर दो ना अश्विनी, पाकिस्तान लिट फेस्टिवल विल गेट टेल द होम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू सेंड अ क्लियरेंस टू इंडियन हाई कमीशन एंड एट दैट टाइम माई रिप्रेजेंटेटिव माई फ्रेंड मिस्टर अशोक चोपड़ा विल बी इन टच विद पाकिस्तान हाई कमीशन एंड द मोमेंट अ क्लियरेंस कम्स फ्रॉम पाकिस्तान होम मिनिस्ट्री ही विल गो विद माई पासपोर्ट एंड माई पेपर्स एंड द वीज़ा विल बी स्टैम्प्ड, दैट्स द प्रोसेस।
और उसी प्रोसेस के तहत 18-17 लोग जो जा रहे थे, 18 लोग जा रहे थे, उन सब के वीज़ा लगता चला गया। कुछ कागजात जो पढ़ने आपके लिए मेरे लिए ज़रूरी हैं, ये मेल है रहीला का, जो लिटरेरी फेस्टिवल की एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। उन्होंने लिखा है, डियर अशोक जी, एज रिक्वेस्टेड गिवन बिलो आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन एट पाकिस्तान हाई कमीशन विद हुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इज़ इन कॉन्टैक्ट एंड टू हुम द लिस्ट ऑफ द नेम्स फॉर KLF वॉज ऑल्सो सेंट। अमीना हैज़ पर्सनली रिक्वेस्टेड द पाकिस्तान हाई कमिश्नर फॉर एक्सपीडाइटिंग द इशुंस ऑफ वीज़ाज टू आर KLF गेस्ट। बेस्ट रिगार्ड्स, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, न्यू दिल्ली। कॉन्टैक्ट पर्सन जिनको कॉन्टैक्ट करना था, मिस्टर मंसूर अहमद खान, डिप्टी हाई कमिश्नर, उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स। दूसरे हैं मिस्टर फैज़, वीज़ा अटैची, टेलीफोन नंबर वगैरह। ये एक ये मेल है, ये मेल है जनवरी 13 की, 13 जनवरी। फिर अशोक जी ने उनको एक मेल भेजा था, इट सीम्स दैट NOC इज़ स्टिल नॉट हेयर, अनुपम हैज़ टू लीव फॉर दुबई नेक्स्ट संडे 31st January 2016, हैंस आई हैव टू सेंड बैक हिज पासपोर्ट टू हिम ऑन वेडनसडे 27 सो दैट ही गेट्स इट लेटेस्ट बाई फ्राइडे 29th January 2016। सिमिलरली अबाउट somebody else, तो दैट गिव्स अस ओनली 2.5 वर्किंग डेट, इन दैट केस शुड वी कैंसल देयर प्रोग्राम। उनका जवाब आया, डियर अशोक जी, प्लीज डोंट in blocks. Amina is in contact with the Ministry of Interior, directly with the minister and the High Commissioner in New Delhi. Our office is chasing the intelligence agencies for their clearance reports. Please hold their passports till January 26 and we are sure you will receive a call earlier than that and the visas will be issued in a day. Looking forward to your patience and understanding. Things had never been so difficult earlier, but it is the political scenarios that makes the connections between the peoples of the two countries so impossible. Regards, Rahila. फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं किस होटल में रहना चाहता हूँ, कहाँ रहना चाहता हूँ, ये मेरा इंतज़ाम है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा, ओके नोटेड, योर बुकिंग एट बीच लग्जरी होटल हैज़ बीन डन अकॉर्डिंगली। ऑल्सो जस्ट टू अपडेट यू ऑन द वीज़ा फ्रंट, Amina is in contact with Mr. Tariq Kareem, counselor who is the focal person at the Pakistan High Commission and has the list of KLF speakers, Karachi Literary Festival speakers. He has assured her that they would issue the visas even in a day after receiving the NOC from the Interior Ministry. If it is not a big hassle, you think would be some of benefit, then would request you to please speak directly to Mr. Tariq Kareem regarding visas for Anupam and Salman Khurshid sahab. His contact number is Tariq Kareem sahab ki email address aur unke number, aur Ashok ji unse roz takriban baat karte the aur wo kehte the ki main batata hu. Phir uske baad Ashok ji, what did Tariq Kareem reply to you yesterday? This is a very important issue. Yesterday he confirmed to Amina that they will accept the passport and will issue visas accordingly. Please let me know. Kyunki Ashok ji ne unko bheja tha message meri taraf se, frantic, any news? Ye iska satya hai, iske kagzat. To jab clearance wahan se milna tha, tab mujhe apna paper aur apna passport leke wahan jana tha. पिछले 15 दिन से ये सारे मेरे वीज़ा के पेपर्स रेडी हैं, पिछले 15 दिन से। ये कुछ 200 पेज का डॉक्यूमेंट अशोक जी के पास पड़ा था, वो वेट कर रहे थे कि कब उनको पाकिस्तान हाई कमीशन से आएगा ये सारे वीज़ा के पेपर, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट्स, जो जो भी उनको चाहिए। ये कोई कम से कम 100 पेज के डॉक्यूमेंट हैं। ये 100 पेज के डॉक्यूमेंट तो मैं आज नहीं बना सकता। सो My point is that I am not angry with anybody. I'm hurt. I'm upset. And I am somewhere feeling, wanting to know the reason that out of 18 people, why only me has been singled out not to give. Uske kuch karan ho sakte hain ki main
मतलब ये मैं गेस कर सकता हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है कि 18 में से चलो 10 को मिला। पहले तो लिटरेरी फेस्टिवल है, लिटरेरी फेस्टिवल में मेरी किताब जो है वो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल किताब नहीं है। इट्स ए बुक अबाउट लाइफ कोचिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। जो कुछ भी हो सकता है मेरा शो टेलीविज़न पर यहाँ आता है या कुछ भी हो सकता मैं प्ले करता हूँ, उसी के बारे में एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दोज पीपल एंड टॉकिंग देयर। सो आई फील दैट ईदर आई एम ए कश्मीरी पंडित एंड आई एम नॉट प्लेइंग ए कार्ड ऑफ कश्मीरी पंडित, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिवाइड पीपल, बट दीज आर द थॉट्स विच आर कमिंग इन माई माइंड। और आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इशू, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस एट्सेट्रा। आई हैव टेकन ए स्टैंड, आई हैव अपलॉडेड माई प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज अदरवाइज देर इज नो लॉजिकल रीजन दैट इज कमिंग इन माई माइंड दैट वाई दिस वीज़ा हैज़ बीन डिनाइड टू मी। एंड दिस इज हैपन द थर्ड टाइम, एंड दिस टाइम अभी मेरी अमीना, एक टेलीविजन चैनल से मैं बात कर रहा था अमीना से, वो टेलीविजन चैनल पर अमीना जी खुद थी जो कि इस फेस्टिवल की डायरेक्टर हैं, उन्होंने टेलीविजन पर लाइव एक्सेप्ट किया है कि रोज़ हमारी बात होती थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पाकिस्तान के, रोज़ वो बोलते थे। और फिर जब उन्होंने हमसे लिस्ट मंगवाई तो उन्होंने मुझे कहा, ऑफिशियल्स ने, कि आप बाकी सबको बुला लीजिए, अनुपम खेर को मत बुलाइए। सो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ माई कंट्री, वेयर वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज मेरे हिसाब से आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, परफॉर्मेंस आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ स्टेज पे काम किया है हिंदुस्तान के बाहर, बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आए हैं, गाए हैं। अगर ग़ुलाम अली साहब को हिंदुस्तान में बॉम्बे में परमिशन नहीं मिलती है तो उनके कलकत्ता में दरवाजे खुल दे जाते हैं, 1,00,000 लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। कोचीन में, ट्रिवेंड्रम में उनको बुलाया जाता है, यूपी में उनको बुलाया जाता है। सो वी आर ए सेक्शन ऑफ पीपल मे से दैट कि जी बॉम्बे में नहीं आने दिया, मगर बाकी भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ उनको आने दिया है और उनकी गज़लें हम सुनते हैं। और 1,00,000 लोग पाकिस्तान में, जब अपना कलकत्ता में जब ममता बनर्जी साहब ने उनको बुलाया, मैडम ने उनको बुलाया था, तो तारीफ कर रहे थे। सो आई फील जब एक ऐसा वातावरण चल रहा था कि दोस्ती का हाथ यहाँ से बढ़ाया जा रहा है, दोस्ती का हाथ वहाँ से बढ़ाया जा रहा है, तो एक इस स्मूथ ऑपरेशन में एक ये बड़ा सा स्पीड ब्रेकर सा आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल इन द लास्ट 6-7 months हु हैव टॉक्ड अबाउट कि एक स्टांस उन्होंने लिया है, आज मेरे साथ जो हुआ है, दे शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दैट कि हमारे हिंदुस्तान के कलाकार को आपने वीज़ा क्यों नहीं दिया। आई एम केपेबल ऑफ फाइटिंग माई ओन बैटल्स, आई एम केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड नॉट फाइटिंग माई ओन बैटल्स, आई एम केपेबल ऑफ डीलिंग विद माई ओन लाइफ। पहली बार उतार चढ़ाव ऐसा नहीं आया है, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक दिस अप एंड येट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ पीस विद पाकिस्तान, बिकॉज आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हैव नो डेथ्स बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ एनिमोसिटी, बिकॉज जो भी कहीं भी शहीद होता है या मरता है वो किसी ना किसी का बेटा होता है, किसी ना किसी का बाप होता है, किसी ना किसी का हस्बैंड होता है। सो आई अप्रिशिएटेड माई प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट टू गो देयर एंड स्टार्ट दैट पीस प्रोसेस। आई वॉज प्रोबेबली द ओनली एक्टर फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हु आफ्टर पेशावर स्कूल अटैक्स, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों को मार दिया गया था, मेरे मन में आया और मैंने टेररिस्ट को एक ओपन लेटर लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि हर पाकिस्तान के हर पेपर में, हिंदुस्तान के हर पेपर में छपा। सो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ द पीपल, आर दे, व्हाट आर दे स्केयर्ड ऑफ, आई एम ए हार्मलेस पर्सन। ये है कि मैं वहाँ जाकर अपने देश की बात करूँगा और डंके की चोट पे बात करूँगा, पर कोई झगड़े वाली बात नहीं करूँगा। मैं भारत की महानता के बारे में बात करूँगा, उस किताब के बारे में बात करूँगा, उस मौके के, बिकॉज मेरे जो सेशन का नाम था वो था कुछ भी हो सकता है। आई वॉज हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद अशोक चोपड़ा, माई पब्लिशर।